अमर सिंह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के दिल में रहते हैं। ये साबित हो गया है कि अमर सिंह भले ही लंबे समय से पार्टी में ना हो, लेकिन मुलायम सिंह के साथ उनके करीबी संबंध आज भी हैं। यही वजह है कि आजम खां और राम गोपाल के विरोध के बाद भी अमर सिंह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में जाएंगे। पार्टी की संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा के साथ ही विधान परिषद सदस्यों का नाम भी तय किया गया। सपा नेता आजम खान ने अमर सिंह को राज्यसभा में भेजने के पार्टी के फैसले पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा, मेरी नजर में ये एक दुखद प्रकरण है। नेताजी पार्टी के मालिक हैं और मालिक के फैसले को चुनौती देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आजम खान के अलावा अमर सिंह का विरोध करने वालों में वरिष्ठ सपा नेता राम गोपाल यादव भी हैं। वहीं भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, सपा डूबता हुआ जहाज है, अच्छा है कि सारे डूबने वाले एक साथ आकर डूबें। समाजवादी पार्टी अमर सिंह के साथ साथ हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए बेनी प्रसाद वर्मा को भी राज्यसभा भेजेगी। सपा ने मंगलवार को इनके अलावा 5 दूसरे नामों का भी ऐलान किया। ऊपरी सदन जाने वालों की लिस्ट में सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन और विश्वंभर प्रसाद निषाद के नाम भी शामिल हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।